मॉर्निंग स्टूडेंट, तो हमने लास्ट में स्टोरी लिखी थी कि सुख का रहस्य। ओके, जो एक राजा था वो बहुत बीमार पड़ जाता था, किसी बहुत सारे वेदों ने उसकी बीमारी ठीक करने की कोशिश की, लेकिन किसी से कुछ फायदा नहीं हुआ। फिर एक वृद्ध आदमी था, उसने बोला था कि महाराज, आप किसी सुखी मनुष्य का कुर्ता पहनिए, अवश्य आप ठीक हो जाएंगे। तब राजा ने एक मेहनती किसान को देखा तो उसके शरीर पे कोई कपड़ा नहीं था। तब राजा समझ गए कि कठिन श्रम करने के कारण ही किसान खुशी है, और तब से उसने राजा ने आराम चैन छोड़कर परिश्रम करने का संकल्प किया, और थोड़े ही दिनों में राजा थे वो ठीक हो गए। ओके, आगे का निम्नलिखित अपूर्ण कहानी को अपने शब्दों में पूर्ण कीजिए। तो ये भी हमको लिखना है। मैंने आपको बोला था कि आप इसमें लिखा था उतना लिख कर लाना। ओसे तो एक बार रिपीट कर लेते। पुराने जमाने की बात है, कनकपुर देश के दरबारियों की ख्याति देश विदेश में फैली हुई थी। उनकी बुद्धि की प्रशंसा सुनकर दूसरे देश के दरबारी उनकी परीक्षा लेने आए। अब उसके एक हाथ में असली फूलों की माला थी और दूसरे हाथ में नकली फूलों की माला थी। उसने दरबारी से कहा, श्रीमान, क्या आप हाथ लगाए बिना बता सकेंगे कि इनमें से कौन सी माला असली फूलों की है? सभी दरबारी आश्चर्य में पड़ गए। दोनों मालाएं बिल्कुल समान लग रही थी। दरबारी के प्रश्न का उत्तर देना मुश्किल था, पर आखिर एक बुद्धिमान दरबारी खड़ा हुआ। ओके, अब आगे लिखिए। उसने कहा, अल्पविराम, इन्वर्टेड कोमा शुरू, इसमें कौन सी बड़ी बात है क्वेश्चन मार्क। इन दोनों मालाओं को सामने के उद्यान के एक पेड़ की डाल पर लटका दिया जाए, उसके बाद में फुल स्टॉप और इनवर्टेड कॉमा खत्म। पैराग्राफ, उस दरबारी की बात मानकर वे मालाएं पेड़ की डाल पर लटका दी गई। कुछ ही समय में भन भन करती मधुमक्खियां आई और एक माला पर बैठ गई। दूसरी माला के पास एक भी मक्खी नहीं गई। पैराग्राफ, यह देखकर दरबारी ने कहा, डबल इन्वर्टेड कोमा में लिखना, जिस माला पर मधुमक्खियां बैठी, अल्पविराम, वह असली फूलों की माला है। दूसरी नकली फूलों की माला है। इन्वर्टेड कॉमा पूरा। पैराग्राफ, उस दरबारी की बुद्धि की सबने प्रशंसा की। दूसरे देश के दरबारी ने भी कनकपुर के दरबारी का लोहा मान लिया
कनकपुर के दरबारी का लोहा मान लिया। इससे कनकपुर के दरबार की ख्याति और भी बढ़ गई। आंसर दूसरी बार बोल जाती हूँ। उसने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, इन दोनों मालाओं को सामने के उद्यान से एक पेड़ पर की डाल पर लटका दिया जाए। उस दरबारी की बात मानकर वे मालाएं पेड़ की डाल पर लटका दी गई। कुछ ही समय में भन भन करती मधुमक्खियाँ आई और एक माला पर बैठ गई, दूसरी माला के पास एक भी मक्खी नहीं गई। यह देखकर दरबारी ने कहा कि जिस माला पर मधुमक्खियाँ बैठी है वह असली फूलों की माला है और दूसरी नकली फूलों की माला है। उस दरबारी की बुद्धि ने सबने प्रशंसा की। दूसरे देश के दरबारी ने भी कनकपुर के दरबारी का लोहा मान लिया। इससे कनकपुर के दरबार की ख्याति और भी बढ़ गई। ओके, अब नीचे है कि निम्नलिखित कहानी का सारांश लिखना है। तो वहाँ लिखा है कि नंदवन में एक छोटा सा तालाब था। तालाब की शीतल जल में राजहंस रहता था। वह बड़ा सुंदर था। उसी तालाब के पास वाले पेड़ पर दुष्ट कौवा रहता था। वह राजहंस की सुंदरता की ईर्ष्या करता था। एक दिन शिकारी थका हुआ तालाब के पास आया। उसने तालाब से पानी पिया और पेड़ के नीचे विश्राम करने लगा। उसे नींद आ गई। कुछ देर बाद शिकारी के मुंह पर धूप आने लगी। राजहंस को दया आ गई। राजहंस ने वृक्ष पर बैठकर उसके पंख फैला दिए, जिससे शिकारी के मुंह पर छाया आ गई। कोए से हंस की भलाई और शिकारी की सुखद नींद देखी नहीं गई। उसने शिकारी को परेशान करने के लिए का सोचा, ताकि शिकारी हंस को मार डाले। कौवा उठता हुआ शिकारी के पास गया और उसके सिर पर चोंच मारी और उठकर दूर जा बैठा। शिकारी तुरंत जाग गया और क्रोधित हो गया। उसने पेड़ पर देखा तो राजहंस पंख फैलाए बैठा था। शिकारी ने सोचा, यह कार्य इसी हंस का है। उसने राजहंस को मारने के लिए बाण चलाया, लेकिन राजहंस उसकी आवाज़ सुनकर उड़ गया। तो अब इसको सारांश लिखना है, तो हेडिंग मारिए सारांश। देखो यहाँ लिखा है सारांश, लिखिए। एक शिकारी एक पेड़ के नीचे सो रहा था। एक दिन एक शिकारी एक पेड़ के नीचे सो रहा था। ज्यों ही उसके मुंह पर धूप आने लगी, अल्पविराम, एक राजहंस ने अपने पंख फैला दिए, कोमा, ताकि शिकारी के मुख पर धूप न आए। यह देखकर राजहंस से ईर्ष्या करने वाला कौवा शिकारी के सिर में चोंच मारकर उड़ गया। शिकारी उठा और गुस्से में आकर बाण चला रहा था कि इसके पहले ही राजहंस उड़ गया। राजहंस को मरवाने की कोए की युक्ति धरी की धरी रह गई। तो सारांश मतलब कि इस कहानी को शॉर्ट में लिखना था। ओके, तो ये हमने लिख लिया, एक बार रिपीट कर लेते हैं। एक दिन एक शिकारी एक पेड़ के नीचे सो रहा था। जो ही उसके मुंह पर धूप आने लगी तो एक राजहंस ने अपने पंख फैला दिए, ताकि शिकारी के मुंह पे धूप ना आए। यह देखकर राजहंस से ईर्ष्या करने वाला कौवा शिकारी के सिर पर चोंच मारकर उड़ गया। शिकारी उठा और गुस्से में ही आकर बाण चला रहा था कि इसके पहले ही राजहंस उड़ गया। राजहंस को मरवाने की कोए की युक्ति
धरी धरी रह गई। उसके बाद है स्वाध्याय, तो स्वाध्याय का हेडिंग मारिए। स्वाध्याय में फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, उसमें पहला है, पहली स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा कैसे की। पहली स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा कैसे की, तो आंसर लिखिए, पहली स्त्री ने कहा कि, पहली स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा लाखों में एक है, मेरा बेटा लाखों में एक है, उसका कंठ बहुत मधुर है, उसका कंठ बहुत मधुर है, वह बहुत अच्छा गाता है, वह बहुत अच्छा गाता है, उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी, उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती है, कोयल और मैना भी चुप हो जाती है। लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं, लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं। भगवान सबको मेरे जैसा बेटा दे। इस प्रकार पहली स्त्री ने अपने गायक बेटे की प्रशंसा की। इस प्रकार पहली स्त्री ने अपने गायक बेटे की प्रशंसा की। पूरा आंसर एक बार देख लेते हैं। पहली स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा लाखों में एक है, उसका कंठ बहुत मधुर है, वह बहुत अच्छा गाता है, उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती है, लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं, भगवान सबको मेरे जैसा बेटा दे। इस प्रकार पहली स्त्री ने अपने गायक बेटे की प्रशंसा की। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की तारीफ में क्या कहा, तो आंसर लिखिए, दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की तारीफ में कहा कि उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, कहा कि उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, वह बहुत ही शक्तिशाली है, वह बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है, वह आधुनिक युग का भीम है। इस प्रकार दूसरी स्त्री ने अपने बेटे के बल का बखान किया। पूरा आंसर देख लेते हैं। दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की तारीफ में कहा कि उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, वह बहुत शक्तिशाली है, वह बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है, वह आधुनिक युग का भीम है। इस प्रकार दूसरी स्त्री ने अपने बेटे के बल का बखान किया। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, तीसरी स्त्री ने अपने बेटे की विशेषता में क्या कहा, तो आंसर लिखिए, तीसरी स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है, मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है, वह जो कुछ पढ़ता है उसे एकदम याद कर लेता है, वह जो कुछ पढ़ता है उसे
एकदम याद कर लेता है। ऐसा लगता है, ऐसा लगता है मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो। ऐसा लगता है मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो। इस प्रकार तीसरी स्त्री ने अपने बेटे की बुद्धि की तारीफ की। इस प्रकार तीसरी स्त्री ने अपने बेटे की बुद्धि की तारीफ की। पूरा आंसर देख लेते हैं। तीसरी स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है। वह जो कुछ पढ़ता है उसे एकदम याद कर लेता है। ऐसा लगता है कि मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो। इस प्रकार तीसरी स्त्री ने अपने बेटे की बुद्धि की तारीफ की। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथी स्त्री ने अपने बेटे का परिचय कैसे दिया। चौथी स्त्री ने अपने बेटे का परिचय कैसे दिया, तो आंसर लिखिए, चौथी स्त्री ने कहा कि, चौथी स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा तो एक साधारण लड़का है। मेरा बेटा तो एक साधारण लड़का है। वह न तो गंधर्व सा गायक है। वह न तो गंधर्व सा गायक है। अल्पविराम, न भीम सा बलवान, न भीम सा बलवान और न बृहस्पति सा बुद्धिमान। बृहस्पति सा बुद्धिमान। वह न तो गंधर्व सा गायक है, न तो भीम सा बलवान है और न तो बृहस्पति का बुद्धिमान। मैं उसकी प्रशंसा कैसे करूं? मैं उसकी प्रशंसा कैसे करूं? इस प्रकार चौथी स्त्री ने, इस प्रकार चौथी स्त्री ने एक सीधे साधे लड़के के रूप में, एक सीधे साधे लड़के के रूप में अपने बेटे का, अपने बेटे का परिचय दिया। पूरा आंसर देख लेते हैं। चौथी स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा तो एक साधारण लड़का है। वह न तो गंधर्व सा गायक है, न भीम सा बलवान और न तो बृहस्पति सा बुद्धिमान। मैं उसकी प्रशंसा कैसे करूं? इस प्रकार चौथी स्त्री ने एक सीधे साधे लड़के के रूप में अपने बेटे का परिचय दिया। मतलब कि वह न तो गंधर्व सा गायक, मतलब के गंधर्व जेवो सारो गायक पण नथी, नथी भीम जेवो बलवान अने नथी तो बृहस्पति जेवो बुद्धिमान। ई तो एक साधारण छोकरो छे, एवुं एणे कह्युं। હવે જોઈએ પ્રશ્ન ટુ। નિમ્નલિખિત ઉક્તિ કોણ કિસે કહેતા હૈ વો લિખના હૈ। નીચે જો વાક્ય દિયે હૈ વો કોણ બોલતા હૈ ઓર કિસકો કહેતા હૈ વો લિખના હૈ। તો પહેલા સેન્ટેન્સ હૈ, યહી સચ્ચા હીરા હૈ। યહી સચ્ચા હીરા હૈ। तो आंसर लिखिए, एक वृद्ध महिला चारों स्त्रियों से कहती है। एक वृद्ध महिला चारों स्त्रियों से कहती है। एक वृद्ध महिला चारों स्त्रियों से कहती है। दूसरा है, माँ लाओ मैं तुम्हारा घड़ा पहुँचा दूँ। माँ लाओ मैं तुम्हारा घड़ा पहुँचा दूँ। तो आंसर लिखिए, चौथी स्त्री का बेटा माँ से कहता है। चौथी स्त्री का बेटा माँ से कहता है। तीसरा लो, सुनो मेरा हीरा गा रहा है। तो आंसर लिखिए, पहली स्त्री अन्य स्त्रियों से कहती है। पहली स्त्री अन्य स्त्रियों से कहती है। चौथा है, देखो यही है मेरी गोद का हीरा। तो आंसर लिखे, तीसरी स्त्री अन्य स्त्रियों से कहती है। तीसरी स्त्री अन्य स्त्रियों से कहती है। पांचवा, देखो वह मेरा लाडला बेटा आ रहा है।
आंसर लिखो, दूसरी स्त्री अन्य स्त्रियों से कहती है, दूसरी स्त्री अन्य स्त्रियों से कहती है। पहला वाक्य है वो एक वृद्ध महिला चारों स्त्रियों से कहती है, दूसरा वाक्य है वो चौथी स्त्री का बेटा है वो उसकी माँ से कहता है, तीसरा वाक्य है वो पहली स्त्री अन्य स्त्रियों से कहती है, चौथा वाक्य है वो तीसरी स्त्री अन्य स्त्रियों से कहती है, और पांचवा वाक्य दूसरी स्त्री है वो अन्य स्त्रियों से कहती है। आगे देखते हैं भाषा सज्जता। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं, आज स्कूल में छुट्टी है, रमेश बाग में खेलता है। तो उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द किए गए हैं, जैसे कि चलते हैं, छुट्टी है, खेलता है, तो ये शब्द क्रिया हो रही है। चलने की क्रिया है पहले वाक्य में, दूसरी वाक्य में छुट्टी की क्रिया है, और तीसरे वाक्य में खेलने की क्रिया हो रही है। तो ये क्रिया हो रही है उसका बोध कराते हैं। तो क्रिया के जिस रूप से क्रिया होती है या तो हो रही हो ऐसा बोध होता हो उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। कौन सा काल कहते हैं? वर्तमान काल। ओके, जब क्रिया चालू हो या तो हो रही हो तो उसको हम वर्तमान काल कहते हैं। आगे देखें तो निम्नलिखित वाक्यों में से वर्तमान काल की जानकारी देने वाले शब्दों को रेखांकित कीजिए। ओके, जैसे हमको पहले एग्जांपल दिया गया है वैसे ही हमको लाइन करनी है, ये भी आपको फेसबुक में लिखना है। तो पहला वाक्य है, मैंने उसे फूल दिया, मैंने उसे फूल दिया। तो दिया है दिया, वो एक क्रिया है, तो क्रिया के नीचे अंडरलाइन करो, अलग दिया के नीचे अंडरलाइन करो। देने की क्रिया हो रही है तो दिया हुआ, वो क्या हुआ? क्रिया। तो मैंने उसे फूल दिया, दिया के नीचे अंडरलाइन करो। दूसरा है, मैं बाजार जाता हूँ। तो जाता हूँ वो एक क्रिया हुई, तो जाता हूँ के नीचे अंडरलाइन करो, जाता हूँ के नीचे अंडरलाइन करो। तीसरा है, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, तो खेल रहे हैं ये क्रिया है, खेल रहे हैं, तो खेल रहे हैं के नीचे अंडरलाइन करो। चौथा है, चूहे उछल कूद कर रहे थे। तो इसमें अंडरलाइन नहीं आएंगी क्योंकि हमको पहले ही बोल दिया है कि वर्तमान काल की जानकारी देने वाले शब्द को ही रेखांकित करना है, जबकि यहाँ पूरा वाक्य है वो कैसे है? भूतकाल में है। कैसा है? भूतकाल में, क्योंकि चूहा उछल कूद कर रहे थे, थे का मतलब है भूतकाल, तो यहाँ कोई भी अंडरलाइन नहीं आएंगी। पांचवा वाक्य देखते हैं, वह विद्यालय जा रहा है। तो जा रहा है वहाँ पे अंडरलाइन आएगी। छठा वाक्य है, हम प्रयाग जाएंगे का मतलब भविष्य हो गया, तो यहाँ कोई भी अंडरलाइन नहीं आएंगी क्योंकि यहाँ वर्तमान काल नहीं है। कौन सा काल है? भविष्य काल। ओके, आगे का देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए, मीना कल मुंबई गई, हेमंत ने पत्र लिखा, माँ ने दिया जलाया, गीता ने पानी पिया। तो उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित किए गए शब्द जैसे कि गई, लिखा, जलाया, पिया, ये क्रिया पूरी हो गई है और फिर उसका बोध कराते हैं। तो जो क्रिया शुरू होती है उसको हम वर्तमान काल कहते हैं, जो क्रिया पूरी हो गई है उसको हम भूतकाल कहते हैं। तो क्रिया के जिस रूप से क्रिया हो गई है ऐसा बोध होता है उसको हम भूतकाल कहते हैं। ओके, तो अब निम्नलिखित वाक्य में से भूतकाल की जानकारी देने वाले शब्द को रेखांकित कीजिए, ये आपको लिखना है। तो पहला वाक्य है, मैंने उसे फल दिए, तो दिए
दिए भूतकाल हो गया, तो दिए के नीचे क्या आएगा, अंडरलाइन। जब वो वर्तमान में था तो क्या था, दिया, य था। जब वो भूतकाल में आया तो क्या हो गया, दिए, तो दिए के नीचे अंडरलाइन आएगी क्योंकि वो भूतकाल शब्द है। दूसरा है, पिताजी अखबार पढ़ रहे थे, तो पढ़ रहे थे के नीचे अंडरलाइन आएगी, पढ़ रहे थे के नीचे अंडरलाइन आएगी। तीसरा है, गांधीनगर गुजरात में है, गांधीनगर गुजरात में है, तो ये वर्तमान ही है। ओके, तो यहाँ अंडरलाइन नहीं आएंगी क्योंकि हमें भूतकाल देखना है। चौथा वाक्य, ये चित्र आपको कल दूंगा, मैं ये चित्र आपको कल दूंगा, मतलब वो भविष्य की बात हुई, तो यहाँ भी अंडरलाइन नहीं आएंगी। यहाँ अक्षर सूखा पड़ता है, यहाँ अक्षर सूखा पड़ता है, तो ये भी वर्तमान काल का वाक्य है, तो यहाँ पे अंडरलाइन नहीं आएंगी। छठा वाक्य, हम पहले सूरत में रहते थे, तो ये भूतकाल हुआ, तो रहते थे के नीचे अंडरलाइन आएगी। सातवां है, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है, तो वो वर्तमान है क्योंकि अभी भी ज्योतिर्लिंग है ना सोमनाथ, तो उसमें अंडरलाइन नहीं आएगी। क्लियर, दो काल हमने सीखे, एक पहले देखा वर्तमान काल, दूसरा देखा भूतकाल। अब तीसरा काल के वाक्य है कि निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए, जैसे कि अब्दुल कल आएगा, कल आने वाला है मतलब, बरोबर। लड़के शाम को खेलेंगे, शाम को खेलेंगे मतलब अभी का तो सुबह है या तो दोपहर है। मीना गुड़िया खरीदेगी, डाकिया डाक लाएगा, मतलब अभी वो काम हुआ नहीं है। तो उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित किए गए शब्द आएगा, खेलेंगे, खरीदेंगे, लाएगा, क्रिया होने वाली है, अभी हुई नहीं है या तो हो नहीं रही है, होने वाली है, तो उसको हम भविष्य काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से क्रिया होने वाली हो, ऐसा बोध होता हो, तो उसे हम भविष्य काल कहते हैं। तो निम्नलिखित वाक्यों में से भविष्य काल की जानकारी देने वाले शब्द को रेखांकित कीजिए। तो पहला है, माली बाग में से फूल चुनेगा, तो चुनेगा है वो भविष्य काल दिखाता है। दूसरा है, हम हिंदी सीखते हैं, तो सीखते हैं मतलब कि वो वर्तमान है, तो उसमें अंडरलाइन नहीं आएंगी। तीसरा वाक्य है, पिंकल कल कहानी की किताब लाएगी, तो लाएगी है वो भविष्य काल दिखाता है, तो लाएंगी के नीचे अंडरलाइन। चौथा है, मैं शिक्षक बनूंगा, मतलब अभी बना नहीं है, मतलब बनूंगा मतलब वो भविष्य काल हुआ, तो बनूंगा के नीचे अंडरलाइन। पांचवा, कोमल छठी कक्षा की छात्रा थी, कोमल छठी कक्षा की छात्रा थी, तो थी है मतलब कि वो भूतकाल है, तो वहाँ अंडरलाइन नहीं आएंगी। अनिल कल पतंग उड़ाएगा, तो उड़ाएगा वो भविष्य काल दिखाता है, तो उड़ाएगा के नीचे अंडरलाइन कीजिए। मैं बस में जा रहा था, तो वो भूतकाल हो गया, तो वहाँ अंडरलाइन नहीं आएंगी। तो क्रिया के जिस रूप से क्रिया के समय, उसकी पूर्णता या अपूर्णता का बोध हो, उसे हम काल कहते हैं, जो आप इंग्लिश में उसको टेंस कहते हो। ओके, काल के प्रमुख तीन भेद है, मतलब टेंस के तीन प्रकार है, कौन कौन से, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। आप बोलते हो ना प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ओके, अब क्वेश्चन टू है, वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। ओके, फेसबुक में आपको क्या क्या लिखना है भाषा सज्जता में से, तो भाषा सज्जता में से ये वाला है कि निम्नलिखित वाक्यों में से वर्तमान काल की जानकारी देने वाले शब्द को रेखांकित कीजिए, ये एक लिखना है। दूसरा ये लिखना है, भूतकाल की जानकारी देने वाले शब्द, और तीसरा है जो भविष्य काल की देने वाले शब्द है, जानकारी देने वाले शब्द, वो लिखना है। ओके, और बाद में ये जो ब्लैक अक्षर से लिखा है कि क्रिया जिस रूप से क्रिया का समय, उसकी पूर्णता, अपूर्णता का बोध हो, उसे हम काल कहते हैं। काल के तीन प्रकार है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, इतना लिखना है।
अच्छी राइटिंग में लिखना, ओके, और होमवर्क भेजो तब चैप्टर का नाम लिखकर भेजना, सब्जेक्ट लिखकर भेजना, ओके। इसमें कोई डाउट हो तो आप लेक्चर ख़त्म होने के बाद पूछ सकते हो। क्वेश्चन 2 है वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे, ओके। थैंक यू।